हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बीच स्थित अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे, फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव के बाद के अंक अनगिनत और असीमित होते हैं, इसलिए इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना कठिन होता है। लेकिन हम यह जरूर बता सकते हैं कि यह किन दो संख्याओं के बीच स्थित हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि हमें 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम 2 के बाद दशमलव अंक लेकर संख्याएं बिना दोहराए और बिना रुके लिखते जाएं, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी जो 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, या कह लें 2 और 3 के बीच होगी। क्या आप ऐसे ही कुछ और संख्याएं लिख सकते हैं? आप वीडियो पॉज करके ऐसे ही कुछ संख्याएं लिखने का प्रयास कीजिए। यह सबसे आसान चीज है। यह कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। या आप पहली संख्या में ही अंक बदल बदल कर लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। वैसे 2 से 3 के बीच का अंतराल काफी बड़ा है, हम इससे भी छोटे अंतराल के लिए यह कर सकते हैं। जैसे 2.7 और 2.8 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर हम 2.7 में 7 के बाद कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो न दोहराई जाए और न ही समाप्त हो। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। परिमेय संख्याओं 5/11 और 6/11 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? यहाँ सबसे पहले हम इन परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप ज्ञात करेंगे और फिर उन्हें ध्यान में रखते हुए 2 अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। 5/11 का दशमलव रूप है 0.454545 इत्यादि, और 6/11 का दशमलव रूप है 0.5454 इत्यादि। इसे आप भाग विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे ही 2 अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं जो 0.4545 से बड़ी और 0.5454 से छोटी हो। क्या वह दशमलव संख्या 0.48010032 इत्यादि हो सकती है? जी हाँ, दूसरी संख्या आप खुद ज्ञात करें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने परिमेय संख्याओं के बीच स्थित अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।